देखिए जो आपका लास्ट पार्ट है, जोड़ने वाले को मान मिलता है, तोड़ने वाले को अपमान। खिलाड़ी जोड़ता है, कलाकार जोड़ता है, दे बिल्ड ब्रिजेस। और ये एक बंदा नहीं, आप नुसरत फतेह अली खान साहब को देख लीजिए, शाहरुख खान साहब को देख लीजिए, जितने भी तगड़े कलाकार हुए हैं, दे बिल्ड ब्रिजेस, वो फासले कम करते हैं। अब रगड़ा है तगड़ा, ये सबको पता है, सबको पता है जंगे हुई है, सबको पता है। इसलिए देयर इज अ कल्चर ऑफ रेट्रीब्यूशन। वो कल्चर ऑफ रेट्रीब्यूशन माफी नहीं देता। आप गुरु 10 मैच हार जाओ, पाकिस्तान से जीत जाओ, लोग कहेंगे यार हमारे लिए तो ये वर्ल्ड कप है बराबर। आप समझे हो? तो वो मैग्नीट्यूड जो है वही दबाव है, कोई माफी नहीं है। ये तो बहुत परिस्थितियां सुधर गई। पहले क्या होता था कि यू नो, हमारा जमाना कोई भाभी आदम का तो नहीं है, 1994 की बात है जब हम जीते थे सेमीफाइनल, घर नहीं किया कोई पाकिस्तान, किसी घर पोत दिया, मतलब किसी कोई मतलब वो यहाँ से आगे फ्लाइट पकड़ के निकल गया। वो याद है खान साहब वहाँ, मतलब जब स्टेडियम से निकले हैं होटल तक पहुँचते पहुँचते उनको 4 घंटे लग गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूएसए से हारने के बाद अब पाकिस्तान की हालत यह है कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया से ना ही खेलें क्योंकि हारना तो तय माना जाता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं यही टाइम है जब पाकिस्तान सबसे ज्यादा खूनखवार होता है और पाकिस्तान हरा सकता है। ये टीम ऐसी है पल में तोला और पल में माशा हो जाती है, पल में आप बड़ी से बड़ी टीम को हरा देती है और पल में ये टीम बिल्कुल हार जाती है। दोस्तों सारा का सारा मलबा बाबर आजम पर फेंकना भी कोई अच्छी बात नहीं है। आप देख लें कि आज अफगानिस्तान ने भी उतने ही रन बनाए थे जितने पाकिस्तान ने बनाए। पाकिस्तान ने बनाए थे 159 और दोस्तों आज अफगानिस्तान ने बनाए 159। तो अफगानिस्तान की यहाँ पर बॉलिंग डिफेंड करती है और न्यूजीलैंड के खिलाफ 75 पर ऑल आउट कर देती है। लेकिन पाकिस्तान के शाहीन शाह, नसीम शाह और हारिस राहुफ और दोस्तों मोहम्मद आमर पर क्यों जिम्मेदारी नहीं डाली जा रही, क्यों उन्होंने विकेटें नहीं ली, बल्कि यहाँ पर देखे तो पूरी की पूरी टीम जो है वो विकेटें उड़ा कर ले जाती है और न्यूजीलैंड जैसी टीम 75 पर ऑल आउट हो जाती है। उस दिन तो बाबर आजम ने वहाँ पर खड़े होकर कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान की इज्जत ही बचाई है। तो कहा जा रहा है कि 43 पर 44 बनाए, आज तो केन विलियमसन भी उतने नहीं बना पाया, अगर बनाता तो दोस्तों 75 पर ऑल आउट ना हो जाती। पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार की जिम्मेदार बॉलिंग को ही माना जा रहा है और शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह सबसे बड़ा दोस्तों जो दुश्मन इस वक्त बाबर आजम का बताया जा रहा है वो शाहीन शाह आफरीदी ही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शाहीन शाह आफरीदी जान बूझ कर बॉलिंग नहीं सही करवा रहा। अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान इंडिया से भी हार जाएगा, क्योंकि जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो बाहर वाला फिर आकर आपको काट कर चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान टीम फिर अपने दिन पर इंडिया को भी हराने का दम रखती है। कोई भंगड़ा गाड़ी के ऊपर डाल रहा है, मुझे याद है वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन इसलिए था कि सराहना सारे इंडिया में से, चाहे कोई बेल बॉय है, चाहे कोई बंदा पार्लियामेंट में है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, सबकी बधाई आई। मतलब 6-7 घंटे सारी रात सो नहीं पाया, बधाई आई। सो द मैग्नीट्यूड इज ह्यूज, क्योंकि हार हजम होती नहीं। अब रहा आपका पहला पार्ट, पाकिस्तान हार क्या है, लोग पाकिस्तान है ऑलवेज बी मर्क्यूरियल, पारे की तरह जैसे थर्मोमीटर का पारा ऊपर नीचे जाता है ना, ऑन द गिवन डे दे कैन बी द बेस्ट। कोई मतलब इसमें दो पारी ब्राइन है, लेकिन दो चीज़ें हैं। आप एक तो जब हारते हो आप इग्नोनिमिटी ऑफ द डिफेंस, जब आप यूएसए से हार जाते और आपके खुद के लोग ही आपको अंडरमाइन करते, घोड़े से गिर के आदमी उठ जाता है, लेकिन अपनी नजरों में अगर गिर जाए ना, फिर उसे उठाने वाला कोई नहीं है। ये हार जो है ये बड़ी करारी शिकस्त है, इसमें द वूंड्स माइट हील बट द मेंटल स्कार्स विल रिमेन। नंबर दो, जब वो यहाँ आएंगे तो गुरु यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। भारतीय टीम 2 मैच खेल चुकी है, 182 बनाए बांग्लादेश के, दूसरी टीम को आउट करके फिर 97, तो मतलब 7वें आसमान पे है वो विश्वास, समझे ना। दे विल हैव टू एडजस्ट दीज कंडीशंस एंड इट्स डिफिकल्ट टू डांस ऑन अ क्रिकेट फ्लोर, दिस पिच इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। यू सी इट्स अ न्यूली लेग पिच, और जो नई पिच होती है ना उस पे अंडुलेशन होती है, और अंडुलेशन जब रिज पे लगती है उड़ती है, और जब ट्रफ में आती है तो घिसी हो जाती है। वो वही मन में कहीं ना कहीं शक छुपा रहा है। तो आपके सवाल में कोई चीज़ रह गई हो तो बताओ। देखिए पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी बैटिंग, अगर आप बॉलिंग देखें ना, मैच उन्होंने बना दिया था, वापस आ गए थे वो, क्योंकि एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि यूएसए विल विन इजीली विद कंसुमेट ईज, सो हु ब्रॉट देम बैक, इट वाज दैट ओवर फ्रॉम आमिर, 2-3 और। पाकिस्तान की बॉलिंग परफेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान बगैर बैटिंग के एक पंख की चिड़िया है। आप एक पंख से नहीं उड़ान भर सकते ना, आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते ना, तो यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, द बैलेंस इज नॉट देयर। भारतीय टीम में संतुलन है, बॉस बहुत बड़ा संतुलन है, एडवांटेज इंडिया, बट ऑन देयर गिवन डे एनीथिंग इज पॉसिबल। बोल सकता है, बोलता है, बट
आने दो जाने दो, यहाँ से बात सुनो, निकाल दो उसको। अरे बाला से तो घबराता है वो, बाला से तो घबराता है, बट बंदा बढ़िया है, बंदा बढ़िया है। और दूसरी बात रहेगी कि क्या करना चाहिए टीम इंडिया को जीतने के लिए, आई थिंक वो सेमीफाइनल जो है ना वो बेटर खेलना पड़ेगा, थोड़ा निडर होकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल अभी खेला 2000 पिछले साल के मैच जो 50 ओवर का, उस फाइनल में बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। वो फाइनल में अगर बॉडी लैंग्वेज वैसी होती जैसे प्रीवियस गेम में थी या फिर कंडीशंस नॉर्मल होती तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया कहीं बेहतर टीम थी। जो रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गए वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को सही तरीके से ढाला नहीं, जो गेम उनकी है वो खेली नहीं और थोड़ा सा बॉक डाउन कर गए, घबरा गए। घबरा के नहीं खेलना है, तो जंग तो लड़के जीती जाती है, आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें भी आपको ये सारे जो मैचेस हैं इसमें भी आप अगर ये सोचने लग जाएं कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, रिजल्ट आना ही चाहिए, तो आप बहुत दूर की सोच रहे हैं। एक वन स्टेप एट ए टाइम, वो हमने उस समय किया था, शायद उस समय हमें एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी फ़र्क पड़ा। अब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि इनको तो खेलना आता है, ये फॉर्मेट लीग इनकी अपनी इतनी बड़ी है, तो जीत जो है वो पक्की होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं। बाकी के लोग भी बहुत तैयारी करके आते हैं, तो सेमीफाइनल अच्छा खेलना होगा, थोड़ा निडर होकर खेलना पड़ेगा। और एक और बात, वी होके खेलना पड़ेगा, इकट्ठे होके खेलना पड़ेगा। शहरी पाकि एक बात है कि सारी उंगलियाँ ये एक बराबर नहीं है, ये कोई मोटी है पतली है।